स्थानीय नगर क्षेत्र निवासी हकीमपुरा वार्ड के सभासद व भाजपा नेता शमशाद अहमद के घर उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने पहुंचकर ईद की दिली मुबारकबाद दिया। सभासद ने कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान का स्वागत ढोल नगाड़े के साथ किया। इस अवसर पर काफी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मौजूद रहे। कारागार मंत्री ने कहा कि ईद के अवसर पर मैं पहुंच नहीं पाया, सो इसलिए अपने भाइयों को ईद का दिली मुबारकबाद देने आया हूं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि मोदी मैजिक से विपक्ष बौखला गया है, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। बहुत तेजी से लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। शमशाद अहमद हकीमपुरा सभासद शमशाद अहमद ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि देश जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने मुल्क तरक्की व अमन चैन के बारे में सोचना चाहिए। मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए नहीं है, अब वह समझ चुका है कि उसका हित कहाँ है। मिला है शौचालय, मिला है तो मुसलमान को मिला है, गैस मिला है तो मुसलमान को मिला है, आयुष्मान योजना का 5 लाख का जो क्रेडिट है वही मुसलमान को मिला है। इस बार जो गलतफहमी लोगों को होती थी वो दूर होगी। हम लोग इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया। देखने दिखाने वाली कौन सी बात आ रही है? अब देखिए, अब उस पर मेरे मैं किसी कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में कोई इस तरीके की हल्की टीका टिप्पणी में नहीं करता, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश के लोगों का जो जनसमर्थन जनसैलाब है, इससे बौखला करके लोग जो विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी और नेता हैं वो बौखला गए हैं, पूरी तरीके से हताश और निराश है। उस बौखलाहट में इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हमारी पार्टी इस तरीके किसी तरीके की टीका टिप्पणी नहीं करती। आज अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में आए हैं, मैं निश्चित रूप से भाई शमशाद, फिरोज, उनके सारे मित्र ईद के मौके पर मैं इनको ईद की मुबारकबाद देने आया था, क्योंकि इधर व्यस्तता के नाते मैं आ नहीं पाया था, इस अवसर पर आया था। इसलिए मैं सभी लोगों को, पूरे कोपा के लोगों को, सारे जनपद वासी के लोगों को मैं ईद की तहे दिल से मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं।